नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अप्लाई नाउ में दोस्तों इस चैनल पे आपको रियल गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताया जाता है तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जैसे ही कोई वीडियो हम डालें तो सबसे पहले आप पे नोटिफिकेशन पहुँच जाए तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी के बारे में आज की वैकेंसी आपकी निकाली गई है एन की तरफ से एन यानी नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से आपके स्टाफ नर्स के ऑनलाइन फॉर्म निकाले गए हैं तो चलिए अब हम बात करते हैं इसमें फॉर्म डेट की तो इसके फॉर्म आप 11 मार्च 2022 से भर सकते थे जिसकी लास्ट डेट आपको 21 मार्च 2022 तक दे रखी है बात करें टोटल वैकेंसी की तो इसमें आपको वैकेंसी काफ़ी अच्छी 1506 पोस्ट निकाली गई है एप्लीकेशन फ़ीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के थ्री हंड्रेड रखी गई है वहीं एस सी की कोई भी फीस नहीं रखी गई है बात करें इसमें एज क्राइटेरिया की तो इसमें एज आपका एक फरवरी 2022 से काउंट किया जाएगा जिसमें मिनिमम 21 वन से लेकर मैक्सिमम 40 ईयर्स के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं वहीं आप ओबीसी कैंडिडेट है तो ओबीसी को थ्री ईयर्स एंड एससी एसटी को फाइव ईयर्स का एज इलेक्सेसन भी दिया जाएगा तो चलिए अब हम बात करते हैं इसमें एलिजिबिलिटी और सैलरी की तो अगर आपने जी कर रखा है या फिर फ्रेंड्स आपने बी कर रखा है नर्सिंग के अंदर तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं सैलरी की बात करें तो इसमें आपको सैलरी काफ़ी अच्छी ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पर मंथ दिया जाएगा वहीं सिलेक्शन की बात करें तो इसमें आपका सिलेक्शन आपकी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड इंटरव्यू के बेस पे होगा तो चलिए अब हम बात करते हैं इसमें अप्लाई प्रोसेस की तो सबसे पहले आपको अप्लाई के लिंक पर क्लिक करना है अप्लाई के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा स्टेप टू में आपको अपनी पर्सनल एंड एजुकेशन डिटेल्स फ़िल करनी है स्टेप थ्री में आपको एग्जामिनेशन फ़ी पे करना है एग्जामिनेशन फ़ी आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं फॉर्म भरने के बाद आपको फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना है या फिर आप चाहे तो पी भी सेव करके रख सकते हैं फॉर फ्यूचर रिफरेंस के लिए बात करें इसमें जॉब लोकेशन की तो जॉब लोकेशन आपकी केरला रहने वाली है तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तब तक ले जय हिंद वंदे मातरम